सपनों की नगरी मुंबई में लीजिए ये 25 अनुभव। दोस्तों शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई या बॉम्बे मेरी जान घुमाने। मेरे लिए तो मुंबई मेरी जन्मभूमि है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं या काम से आते हैं, और ये प्यारा मुंबई शहर हर किसी को अपने दिल में समा लेता है। यहाँ की भागदौड़ वाली जिंदगी में कभी दो पल निकाल कर इस शहर को देखिए भी, तब समझ आएगा कि ये बस बिल्डिंग्स और ऑफिसेस से बना शहर नहीं है, लाखों लोगों की सपनों और भावनाओं का प्रतीक है। इस शहर के अनेक हिस्सों की खूबसूरती हमारे दिल को छू लेती है। उनमें से सबसे पहली जगह है मुंबई का समंदर। दादर या फिर जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी, इन सभी से अरब सागर का सुंदर नजारा दिखता है। इस नजारे को देखते देखते वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जुहू बीच पर तो अब वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो गए हैं, लेकिन शांति और सुकून भरी शाम बिताने के लिए आप दादर या तो फिर गिरगांव के डेक पर समय बिता सकते हैं। ये दोनों हाल ही में बने हैं और इस किनारे की शोभा बढ़ाते हैं। ये डेक्स तो नए हैं, लेकिन मरीन ड्राइव, नरिमन पॉइंट और बैंड स्टैंड ये हमेशा ही मुंबईकरों के फेवरेट स्पॉट्स रहेंगे। इनमें वर्ली सी फेस भी शामिल था, लेकिन अब कोस्टल रोड के काम की वजह से वहाँ से फिलहाल व्यू ज्यादा अच्छा नहीं है। बीच के पास गर्मा गर्म बुट्टा, चाट, चाइनीज, पाव भाजी की महक आपको अपनी ओर खींच ही लेती है। वैसे तो हर बीच साइड के पास स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, लेकिन इनमें व्यू के साथ खाने के लिए चौपाटी अच्छी जगह है। यहाँ पर देसी चाइनीज के बहुत सारे स्टॉल्स हैं और बैठने के लिए चटाई या बेंचेस भी हैं। तीखा चटपटा चाइनीज और चौपाटी की ठंडी हवा, आहा, इससे तो देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे खाने के स्टॉल्स लेकिन थोड़े और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरे हैं जुहू बीच पर। यहाँ खाने का पूरा एरिया भी है और यहाँ पाव भाजी, गोला, चाट, समोसे, भेलपूरी, ये सब मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस फूड सेक्शन के अंदर से बीच का व्यू छुप जाता है। खाना और व्यू साथ में एंजॉय करने के लिए मुंबई के किनारे के पास अनगिनत कैफेज भी हैं, जैसे कि पिज्जा बाय द बे, बे व्यू कैफे, लाइब्रेरी कैफे और सी साइड पैटियो। पिज्जा बाय द बे में अपने नाम की तरह ही अलग अलग प्रकार के पिज्जा मिलते हैं और बगल में सुंदर से मरीन ड्राइव और बीच व्यू भी है। लाइब्रेरी कैफे भी इसी के जैसा है, लेकिन ये कार्टर्स के पास है और यहाँ सैंडविचेस, डिजर्ट्स, केक्स ये सब मिल जाते हैं। और हाँ, बैठकर चिल करने के लिए या काम करने के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। बे व्यू कैफे थोड़ा हटके है क्योंकि ये रूफटॉप पर है, लेकिन व्यू तो यहाँ से भी कमाल का दिखता है। लेकिन अगर कैफेज में कोई जगह बीच से बिल्कुल जुड़ी हुई है तो वो है सी साइड पैट्रियो। ये सिटीजन होटल के अंदर है और यहाँ से जुहू बीच नजर आता है। इनकी खुली खिड़कियाँ और हाई टेबल्स पर बैठकर ऐसे लगता है कि बीच पर ही बैठकर खा रहे हैं। सी व्यू के बिना भी कुछ कैफेज ऐसी हैं जिनके एम्बियंस में जाकर ऐसे लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यह है कैंडीज। ये कैफे एक पुराने पोर्चुगीज विला के अंदर है। इसमें पेंटिंग्स, मोज़ेक्स, फूल पौधे और बड़ा ही अनोखा माहौल है। यहाँ पिज्जा, सैंडविचेस, पफ्स, केक्स, गोवन डिजर्ट्स, ऐसी बहुत अलग अलग डिशेस मिलती हैं। इसमें बहुत सी सीढ़ियां हैं और हर पड़ाव पर बैठने के लिए अलग अलग प्रकार के टेबल्स हैं। इनके छत पर भी बैठ सकते हैं या फिर अंदर इस विला के फील में भी बैठकर खाना एंजॉय कर सकते हैं। इस विंटेज विला से थोड़ा अलग है ये बुगन विला कैफे। इसके नाम जैसे ही इसमें विलास है और यहाँ खाते हुए ऐसे लगेगा कि आप बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर खा रहे हैं। ये एक मल्टी क्विजीन कैफे है और इनका मार्गरिटा पिज्जा, पास्ता, नाचोस बड़े ही स्वादिष्ट हैं। लेकिन खाने से ज्यादा ये जगह इसके अनोखे एम्बियंस के लिए मशहूर है। एम्बियंस के लिए अगर आप कैफे हॉपिंग कर रहे हैं तो शैंटिली को कैसे भूल सकते हैं। ये बांद्रा के सबसे फेमस कैफेज में से एक है और ये बहुत ही इंस्टावर्दी जगह है। इंस्टावर्दी कैफेज में काला घोड़ा कैफे और ब्रेड बार भी है। कैफेज में जितना एम्बियंस जरूरी है उतना ही स्वादिष्ट खाना भी। अब वो तो हर जगह मिल जाता है, पर मुंबई के कुछ कैफेज सिर्फ इनके खाने की वजह से भी याद रह जाते हैं।
गार्डेमोंजे कैफे और यहाँ पर पूरी तरह से वीगन ग्लूटेन फ्री डिशेस मिल जाती हैं। तो सैलेड, राइस बोल्स, वीगन डिजर्ट्स, ऐसी डिशेस इनकी स्पेशलिटी है। दूसरी जगह है मोटोडो। ये एक ऑथेंटिक इटालियन पिज्जेरिया है और वुड फायर्ड ओवन में बना पिज्जा एक बार आप चख लेना तो सब कुछ भूल जाएंगे, खास करके जब वो मोटोडो जैसी जगह में हो, क्योंकि यहाँ पर पिज्जा का आटा, सॉस, चीज सब कुछ इटालियन ब्रांड के हैं। पिज्जा और इटालियन खाने के लिए यहाँ पर नोमैड और फिरिन भी है। फिरिन कैफे तो दिन के 24 घंटे शुरू रहता है और ये गोरेगांव के रेडिसन के अंदर है। इन कैफेज में कुछ तो सिर्फ अपने डिजर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। यह जिलाटो बार, यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक जिलाटो मिलती है और इससे ये इटली से इंपोर्ट किए फ्रिज में रखा जाता है और उस वजह से इसका स्वाद और इसकी ताजगी बरकरार रहती है। यह है बैचलर्स, इनकी स्ट्रॉबेरीज और क्रीम और मैंगो और क्रीम खाने के लिए यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है। इनके पूरे मुंबई में कई आउटलेट्स हैं, लेकिन ओरिजिनल और सबसे पुराना आउटलेट चौपाटी के पास है। डिजर्ट्स में आप मुंबई के सबसे पुराने आइसक्रीम शॉप्स की सिग्नेचर आइसक्रीम सैंडविच भी खा सकते हैं। जो लोग कई सालों से मुंबई में रहते हैं उन्हें ये जगह जरूर याद होगी। यह है के रुस्तम और यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम को इस वेफर के बीच सैंडविच करके देते हैं। के रुस्तम के जैसे ही मुंबई के कई पुराने रेस्टोरेंट्स और कैफेज आज भी शुरू हैं और इनमें जाते ही ये सीधे आपको 19वीं सदी की याद दिलाते हैं। पुराने आईने, चेकर्स वाले टेबल क्लॉथ, विंटेज फर्नीचर और 100 साल पुरानी विरासत, ऐसे आइकॉनिक कैफेज में ही मुंबईकर की असली जान है। 100 सालों से भी पुराने ईरानी और पारसी कैफेज जैसे कि याजदानी बेकरी, क्यानी एंड को, ससानियन रेस्टोरेंट, ब्रिटानिया, बी मेरवान एंड को, इनमें से कुछ जाने माने नाम है। यहाँ पर लोग कीमा पाव, सली चिकन और बेरी पुलाव तो एंजॉय करते ही है, लेकिन इनके बन मस्का और ईरानी चाय से भी मन को खुशी मिलती है और ये सारे रेस्टोरेंट बड़े किफायती भी है। अगर आप यहाँ खाने के लिए आए तो निकलने से पहले इनके मावा केक, मफिन्स, वेज पफ्स या कैरमल कस्टर्ड, ये डिजर्ट जरूर ट्राई करें। ईरानी बेकरीज के अलावा भी मुंबई में और आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स हैं जो उतने ही पुराने हैं और इन्होंने भी मुंबई में एक अलग ही फूड कल्चर का निर्माण किया है। उनमें से एक है कैलाश पर्वत। 1950 से इनकी चाट जैसे कि पानीपुरी, दही पुरी ने मुंबईकरों का दिल जीत लिया है। इसी के जैसे 175 साल पुरानी जगह है पंचम पुरी वाला। इनकी पंचम थाली और छोले पुरी बड़े फेमस है। कैलाश पर्वत और पंचम पुरी वाला जैसे ही बी भगत ताराचंद भी है। इनका प्योर वेज पंजाबी और सिंधी खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, खास करके क्योंकि ये बिल्कुल घर के खाने के जैसा होता है। लेकिन हाँ, अगर आप साउथ इंडियन खाने के दीवाने हैं ना, तो आप मद्रास कैफे को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस 80 साल पुराने रेस्टोरेंट में दक्षिण भारत की सारी डिशेस मिलती हैं। इनकी पोड़ी इडली, बेने मसाला डोसा, पाइनएप्पल शीरा, फिल्टर कॉफी मेरे फेवरेट्स हैं। ऐसे 100 सालों से ज्यादा विरासत वाले तो और भी कई रेस्टोरेंट्स हैं मुंबई में, इनमें से कुछ तो सिर्फ थाली परोसते हैं। बेस्ट बात है कि ये थालियाँ अनलिमिटेड होती हैं। ऐसी थाली मुंबई के श्री ठाकर भोजनालय में मिलती है। इनकी गुजराती, राजस्थानी थाली में फरसान, पापड़, अचार, चटनियाँ, 4-5 अलग अलग सब्जियाँ, रोटियों की वैरायटी जैसे कि चपाती, भाकरी, पूरी, दाल चावल, खिचड़ी, मीठा और छाछ, ऐसी 30 से भी अधिक चीजें आ जाती है। इनका स्वाद, इसे परोसने का अंदाज और सदियों पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। मुंबई दिल्ली हाईवे, गोल्डन स्टार थाली और महाराजा भोग में भी ऐसी अनलिमिटेड थालियों का स्वाद ले सकते हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफेज के साथ स्ट्रीट फूड भी यहाँ का फूड कल्चर का अहम हिस्सा है। मिसर पाव, दाबेली, समोसे, भजिया, पाव भाजी, भेलपुरी, चाट और मुंबई की टोस्ट सैंडविच, ये सब मुंबई की सड़कों को पॉपुलर बनाती है। कैनन की पाव भाजी, गुरु कृपा के समोसे, राजू सैंडविच का रोल, राम और शाम की चाट, अशोक वड़ा पाव, ये लिस्ट तो बढ़ती ही जाएगी। वैसे तो ये सारी डिशेज मुंबई की हर सड़क पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से कुछ जगहों ने अपने अनोखे स्वाद और क्वालिटी की वजह से बहुत नाम कमाया है और आज भी इस स्ट्रीट फूड का मजा लेने यहाँ भीड़ जमी हुई होती है। स्ट्रीट फूड की बात हो रही हो तो इसमें मुंबई के वड़ा पाव के लिए अलग ही स्थान है।
आज भी 10-20 रुपए में चटपटी, तीखी और झटका देने वाली ये डिश कितनी आसानी से हमारा पेट भर देती है। आराम वड़ा पाव, कैनन, अशोक, श्री कृष्णा बटाटा वड़ा, आस्वाद और पार्लेश्वर वड़ा पाव, ये सारी दुकानें मुंबई के टॉप वड़ा पाव के लिए जानी जाती है। रेगुलर वड़ा पाव के साथ यहाँ पर चीज, बटर, चूरा पाव ऐसी वैरायटी भी मिल जाती है। ऐसी स्ट्रीट फूड की वजह से तो मुंबई की सड़कों में हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन इसका स्वाद लेने वाले बहुत से लोग इन सड़कों पर शॉपिंग भी करने आते हैं। मुंबई के सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है कोलाबा कॉजवे। यहाँ पर कपड़े, गहने, बैग्स, जूते ऐसी चीजें मिलती हैं। इसी एरिया में कपड़ों की शॉपिंग के लिए फैशन स्ट्रीट भी है। बांद्रा के लिंकिंग रोड और हिल रोड पर भी कपड़े और एक्सेसरीज मिल जाते हैं। इन सभी में फास्ट फैशन वाले कपड़े मिलते हैं, लेकिन शादी की शॉपिंग और डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए सांता क्रूज मार्केट भी बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसी सड़क पर शॉपिंग करने के लिए बेस्ट बात है बार्गेनिंग। इसमें बहुत बार दुकानदारों के साथ बातचीत और मोल भाव करके अब आप अपना बजट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी और ब्रांडेड चीजों के लिए मुंबई के शॉपिंग मॉल्स में भी जा सकते हैं। मुंबई में फीनिक्स पलेडियम, फीनिक्स मार्केट सिटी, आर सिटी मॉल और ओबेरॉय मॉल जैसे अनगिनत मॉल्स हैं। उनमें जारा, डाइसो, मिनीसो, लाइफस्टाइल और कई सारे ब्रांड्स, देसी और विदेशी दोनों आपको मिल जाएंगे। मुंबई की धूप और भीड़ से दूर इन मॉल्स में एक अलग ही फील आता है। यहाँ के आलीशान कैफेज में बैठकर खाना, विंडो शॉपिंग करना, फूड स्पा का मजा लेना, आर्केड गेम्स खेलना, मूवी देखना, ऐसे तो आप एक पूरा दिन यहाँ पर बिता सकते हैं। इस अनुभव को थोड़ा आरामदायक बनाने, खुद को थोड़ा पैम्पर करने के लिए इन मॉल्स में आप स्पा तो जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर सुखोथाई और युआन थाई स्पा जैसे सेंटर्स हैं। इनमें से सुखोथाई बहुत सालों से यहाँ पर है। यहाँ का फुट मसाज, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, फुल बॉडी मसाज ऐसे अलग अलग प्रकार के स्पाज आपको मिल जाएंगे। इन सब से तुरंत आराम और राहत महसूस होती है। आप चाहें तो मुंबई में ब्यूटी स्पा भी ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर है स्किन स्टोरी। यहाँ पर आप अपनी त्वचा को सुधारने के लिए आर्टिजनल फेशियल्स ले सकते हैं। इसके बेसिक दाम 3,000 रुपए से शुरू होते हैं, लेकिन इसका असर भी तुरंत दिखाई देता है। ऐसी पैम्परिंग और स्पेशल अनुभव के लिए एक और जगह है मेरे पास, और वो है जियो वर्ल्ड ड्राइव। इस मॉल में आपको सब तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे कि टीरा ब्यूटी, एडिडास, डियोर, मुजी, फेरोमोडा, यहाँ तक कि एप्पल का इंडिया का एक लौता स्टोर भी है। यहाँ पर जियो ड्राइव इन थिएटर भी है। खाने के लिए भी कुकू बाय ओबेरॉय, द नट क्रैकर, मोटोडो, फ्रेट अमोजे ऐसे फेमस रेस्टोरेंट्स है। जियो वर्ल्ड ड्राइव की वजह से मॉल्स में शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक अलग नजरिया मिल जाता है, तो किसी खास दिन पर या सेलिब्रेट करने ऐसे मॉल में आ सकते हैं। जियो वर्ल्ड ड्राइव से जुड़ा एक और नाम है NMACC, NMAC, यानी कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। यहाँ पर कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। भारत के विविध हिस्सों से आई कलाकारी जैसे कि हैंडलूम और ब्लू पॉटरी यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ नए एग्जीबिशंस भी होते हैं, कभी पेंटिंग्स तो कभी स्कल्पचर्स, कभी फैशन और बहुत कुछ। शाम में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। इस सेंटर के अंदर भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर एलिवेटर भी है। ये जगह मुंबई शहर और इसके लोगों को पूरी दुनिया की कलाकारी से जोड़ती है। अगर आप कला, नृत्य या संगीत के शौकीन हैं, तो NMAC को जरूर ध्यान में रखें। NMAC और जियो वर्ल्ड ड्राइव BKC में है, और इसी एरिया में कई और फैंसी एक्सपीरियंसेस भी आप ले सकते हैं। उनमें से एक है ट्रेसिंड। ये एक लग्जरी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, और इनका 14 कोर्स डिग्गा स्टेशन मेन्यू आपको चौंका देगा। सबसे पहले तो इसकी कीमत पर आते हैं, वो है 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति। जी हाँ, 7,000 रुपीज। इसमें शुरुआत होती है छोटे छोटे एपेटाइजर से, वन बाय वन करके आप ये सब खाते जाते हैं, और उसके बाद आता है इनका मेन कोर्स। मेन कोर्स में भी आपको 4 या 5 अलग अलग वैरायटीज मिल जाती हैं, और फिर आई मीठे यानी कि डिजर्ट की बारी। ये करीब 14 कोर्स का खाना है, और ये अपने आप में एक अनुभव है। ट्रेसिंग जैसे ही BKC के मसाला लाइब्रेरी में भी आप ऐसे ही 14 कोर्स का मील ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों मुंबई के लग्जरी एक्सपीरियंसेस में माने जाते हैं। अगर मैं मुंबई के अन्य लग्जरी रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो मेरे मन में आते हैं पेशावरी और मसाला बे। पेशावरी रेस्टोरेंट ITC मराठा होटल के अंदर है, और यहाँ पर शाही अंदाज में खाना परोसते हैं। ये जगह कबाब, टिक्के, कुलचे ऐसे टाइप के डिशेस के लिए फेमस है। मसाला बे भी एक लग्जरी रेस्टोरेंट है। ये ताज लैंड्स एंड में है, और यहाँ भी मुगलाई और इंडियन
डिशेस फेमस हैं। इन सब के स्वाद और शाही अंदाज की वजह से 5 स्टार में बिताए पल और भी यादगार बन जाते हैं। इनमें खाने के दाम 3 से 4 हजार रुपए प्रति मील हो सकते हैं। अब तो इन 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में कुछ ऑथेंटिक एशियन रेस्टोरेंट्स भी ऐड हो गए हैं। यी जिंग और गोमा, इन दोनों में आप कैंटोनीज, जापानीज और कोरियन डिशेस ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, इन जगहों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये 5 स्टार के अंदर है। अगर आपको एशियन खाना पसंद है पर थोड़े मिड रेंज रेस्टोरेंट्स में, तो आप याजू, फू, खाओचाओ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, देसी चाइनीज और असली एशियन स्वाद, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऑथेंटिक एशियन डिशेस ट्राई करने के लिए आप यी जिंग और गोमा जैसे रेस्टोरेंट्स ट्राई कर सकते हैं। मुंबई के रेस्टोरेंट्स में ऐसे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के साथ कुछ बुफेज भी हैं, जहां इंडियन, एशियन, कॉन्टिनेंटल हर प्रकार का क्विजीन मिलता है। इसमें संडे ब्रंच या बुफेस, ऐसे दो ऑप्शंस रहते हैं। ताजमहल पैलेस की सी लाउंज से गेटवे ऑफ इंडिया और अरब सागर का नजारा देखते हुए इनके हाई टी बुफे का मजा ले सकते हैं। इसमें चाट, पाव भाजी, सैंडविचेस, बर्गर्स और कई अलग अलग डिजर्ट्स आपको मिलते हैं। ये एक बिल्कुल शाही हाई टी एक्सपीरियंस है जो अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव है। संडे ब्रंच के लिए एक जगह है फेयरफील्ड बाय मैरियट। उनका मैडोमाडो रेस्टोरेंट में एक पूरा का पूरा बुफे होता है। इसमें चाट, फरसान, रोल, पास्ता, मोमोज, सैलेड, हमस, चीज की वैरायटीज, सब्जियां, चिकन और मछली, चावल, बिरयानी, ऐसी ढेर सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। संडे ब्रंच के अलावा आप बारबेक्यू नेशन का बुफे, लोटस कैफे का ब्रेकफास्ट बुफे और सप्तमी रेस्टोरेंट का लंच बुफे, ये सब आप अलग अलग जगहों पे ट्राई कर सकते हैं। बुफेज में आपको एक जगह पर कई अलग अलग स्वादिष्ट जायकों को ट्राई करने का मौका मिलता है। तो कुछ लोग बुफेज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए मैंने ये वाले एक्सपीरियंसेस चुने हैं। ऐसे शानदार होटल का और करीब से अनुभव लेने मुंबई के इन 5 स्टार्स में स्टेकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि ताजमहल पैलेस, आईटीसी मराठा, ट्राइडेंट होटल, रेडिसन ब्लू, सेंट रीजिस, ताज लैंड्स एंड बांद्रा, जेडब्ल्यू मैरियट जुहू, द लीला, ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं मुंबई में। इन होटल्स में से मुंबई के सुंदर सुंदर व्यूज देखना, बेड पर लेटकर रूम सर्विस का मजा लेना, बाथटब में रिलैक्स करना, ये सारी एक्टिविटीज एक सुहाना स्टेकेशन बनाती है। मैंने हाल ही में ऐसे स्टेकेशन के अनुभव आपके साथ शेयर किए थे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुंबई के रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉल्स और सड़कें, ये सब तो हमने एक्सप्लोर कर ली, लेकिन जिन जगहों से मुंबई की पहचान होती है उन्हें कैसे भूल सकते हैं, वो है मुंबई के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स। गेटवे ऑफ इंडिया, एशियाटिक लाइब्रेरी, जहांगीर आर्ट गैलरी, हैंगिंग गार्डन, नरिमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, इनमें से सबसे जाने माने नाम है। इन सब जगहों पर मुंबई और उसकी ऐतिहासिक विरासत का अनुभव मिलता है। आजकल इन्हें देखने के लिए यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी शुरू हो गई है। ये बस 450 रुपए में मरीन ड्राइव, गिरगांव, चौपाटी, हाजी अली और बांद्रा सीलिंग भी घुमाती है। इन टूरिस्ट स्पॉट्स में रीगल सिनेमा, मराठा मंदिर, मेट्रो आइनॉक्स जैसे पुराने सिनेमा थिएटर्स भी है। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग्स होती थी और आप यहाँ आकर 50s और 60s के बॉलीवुड एरा में कदम रख सकते हैं। मुंबई की विरासत के सिर का ताज है यहाँ के मंदिर और पूजा घर। मुंबई को नाम देने वाली मुंबा देवी, फिर सिद्धि विनायक मंदिर, बाबुलनाथ मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई की शान को और बढ़ाते हैं। इनके साथ यहाँ पर अलग अलग धर्मों के पूजा घर हैं, जैसे कि माउंट मैरी चर्च बांद्रा में और हाजी अली दरगाह। यहाँ पर जाने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ घूमने के लिए काली पीली तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप सबर्ब्स में हैं, आप रिक्शा में बैठकर भी मुंबई घूम सकते हैं। मुंबई के रिक्शा की बेस्ट बात है कि ये मीटर से चलते हैं और यहाँ की टैक्सीज भी। पूरे भारत में बहुत कम शहरों में ऐसे होता है, लेकिन इसी कारण से मुझे इस शहर से बहुत प्यार है। वैसे मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोकल्स जिसे मुंबई की लाइफलाइन बुलाते हैं, क्योंकि जो भी हो जाए ये वक्त पर आकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देती हैं। तो मुंबई में आकर एक ट्रेन राइड लेना भी अनुभव होता है। अगर आप मेरी तरह इस सिटी के दीवाने हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में शेयर की गई सारे ही अनुभव आप भी ले सकते हैं। उनकी जानकारी और पूरे वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ऐसे और सिटी गाइड देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।